ची आई होगा पापा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। देखिए सिमर को सब कोई, सिमर को देखिए, देखिए बात दिया जाओ। जाइए आप लोग आगे, आइए आप लोग, आ जाओ प्रेम लेके। जी बिल्कुल, क्या है कि अभी प्रेम एक्चुअली बुरी कंडीशंस में फंसा हुआ है, क्योंकि अननोइंगली एंड ये अनवांटेड चीज़ है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग फॉर द फैमिली नाउ डेज। पहले मैं प्रॉपर्टी हार गया, बिजनेस हार गया, सिमर को दाम में हार गया, और आज बच्चियों को आइसक्रीम खिलाने लेकर गए और वहाँ पर उनका किडनेपिंग हो जाती है। और यस, सब कुछ अलग हो रहा है, बिकॉज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ससुराल सिमर का नहीं है, ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का है। और यस, दिस इज़ अ न्यू ट्विस्ट इन द स्टोरी। अंजलि वापस आ गई है आज। कल सिमर ने बहुत 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 सबके सामने मुझे सुनाया कि मेरी वजह से बच्चियों की किडनैपिंग हुई है और आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फादर एनीमोर। सो उस चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट है प्रेम, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि सब चीज़ें समेट कर वापस इस घर में वापस लेकर आऊँ। बिल्कुल, शीज़ अ माँ, तो माँ की दुआएं हमेशा काम आती हैं। और अच्छा है कि अंजलि वापस आ गई, आई एम सो हैप्पी टू सी हर बैक। लेकिन संजना नहीं आई तो उतना दुखी भी हूँ, तो अभी जा रहा हूँ बस संजना को ढूंढने। मुझे नहीं पता, क्योंकि सिमर मेरे से बात तक नहीं करती हैं वो अभी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं एंड शी डजेंट टॉक टू मी, शी डजेंट रिएक्ट टू माई थिंग्स। सो जो कुछ भी करना है मुझे अकेले करना है, ताकि मैं उनका विश्वास वापस पा पाऊँ, अपने परिवार की खुशियाँ वापस ला पाऊँ।